नमस्कार, मैं डॉक्टर मीना शर्मा। अपने पिछले वीडियो में हमने मोटिवेशन के विषय में थोड़ी सी चर्चा की थी कि मोटिवेशन क्या होता है और कौन कौन सी फंडामेंटल या बेसिक नीड्स होती हैं। अब इस वीडियो में आज हम लोग जो बात करेंगे वो ये बात करेंगे कि मैस्लो ने नीड्स को किस तरह से कैटेगराइज किया है, या मैस्लो ने अपनी जो नीड्स का जो क्रम है वो क्या बनाया है, या मैस्लो की नीड्स की हायरार्की क्या है। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि मैस्लो ने ऐसा क्यों किया। मैस्लो जो थे अपनी अर्ली कैरियर के समय में वो मंकीज पर काम कर रहे थे, और उन्होंने वो जब ऑब्जर्वेशन करते थे उनका, तो उन्होंने देखा कि जो मंकीज थे वो अपनी नीड्स को इम्पोर्टेंस के ऑर्डर में फुलफिल करते थे। मतलब जैसे जिस चीज की जब जरूरत हो, जब जिस चीज की ज्यादा जरूरत है, तब वो उस नीड को फुलफिल करते थे। ये देखकर उनको ये आइडिया आया और उन्होंने अपनी जो नीड्स हायरार्की की थ्योरी थी इसको बनाया, इसको एस्टेब्लिश किया, और उन्होंने इम्पोर्टेंस के आधार पर नीड्स को कैटेगराइज किया कि मनुष्य के लिए जो नीड्स, उसकी नीड्स हैं, उनकी किस किस तरह से इम्पोर्टेंस होती है, उसी तरह से उन्होंने उसको कैटेगराइज किया। इसके लिए उन्होंने एक हायरार्की बनाई और एक ट्रायंगल बनाया है, और ट्रायंगल में सबसे नीचे जो नीड्स हैं और सबसे ऊपर जो नीड्स हैं, उन सब के बारे में उन्होंने बताया। तो उस हायरार्की में जो सबसे पहली नीड आती है वो आती है फिजियोलॉजिकल नीड। हमारी जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, जो इनको हम बायोलॉजिकल नीड्स भी कह सकते हैं, फिजियोलॉजिकल नीड्स के अंतर्गत हमें खाने की आवश्यकता होती है, हमें पानी की आवश्यकता होती है, इसके लिए हमें काम की आवश्यकता होती है, हमें रहने के लिए घर की आवश्यकता होती है, शेल्टर की आवश्यकता होती है। तो ये जो नीड्स है, और ये जो नीड्स है ये डेफिसिट नीड्स है। ये नीड्स हमारे पास तब आती है जब इन चीजों की हमें जरूरत होती है, या इन चीजों की हमारे शरीर में या हमें कमी होती है, तो ये नीड्स हमारे पास आती हैं। तो ये डेफिसिट नीड्स हैं जो मनुष्य को पूरी करनी ही करनी होती हैं, और इन नीड्स को पूरे किए बिना मनुष्य का सर्वाइवल नहीं हो सकता है। तो ये जो नीड्स हैं वो हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत आवश्यक होती हैं। मैस्लो ने इसलिए ये नीड्स जो है हमारे ट्रायंगल में सबसे नीचे हैं, और उसमें सबसे ज्यादा प्लेस या सबसे ज्यादा स्थानीय नीड्स घेरती हैं। सबसे ज्यादा जरूरत हमें इन्हीं नीड्स को फुलफिल करने की पड़ती है, और जब ये नीड्स फुलफिल हो जाती हैं, जब हमारी बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल नीड्स पूरी हो जाती हैं, जब हम इनको मीट आउट कर लेते हैं, तो दूसरी नीड्स हमारे सामने आती हैं। वो नीड्स हैं सेफ्टी की नीड्स, सुरक्षा की मांगे। अब जब हमें खाना मिल जाता है, पीना मिल जाता है, रहने के लिए घर मिल जाता है, तो हमें चिंता होती है कि अब हमें सुरक्षा भी चाहिए। अब हम सुरक्षित होना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारे पास एक अच्छा जॉब, अच्छा सिक्योर्ड जॉब हो, हमारा हेल्थ की सिक्योरिटी हो, हम अपने हेल्थ के इंश्योरेंसेस कराते हैं, हम फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहते हैं, हम एफडीज कराते हैं, हम अपनी आरडीज कराते हैं, इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, और हम अपने प्रॉपर्टी की भी सिक्योरिटी कराते हैं। हम अगर मकान बनाते हैं तो हम उसका भी इंश्योरेंस कराते हैं। तो ये जो नीड्स हैं वो सेफ्टी की नीड्स हैं। फिजियोलॉजिकल नीड्स और सेफ्टी नीड्स के फुलफिल होने के बाद हम जब अगले क्रम पर बढ़ते हैं, तो जो नीड हमारे सामने आती है वो है बिलोंगिंगनेस की नीड, या सोशल नीड्स उनको हम कहते हैं, सामाजिक मांगे। अब जो अब हमारे पास हमें खाना पीना मिल गया, जो हमारी डेफिसिट नीड थी वो पूरी हो गई, फिर हमने अपनी सुरक्षा का भी इंतजाम कर लिया, तो तीसरी जो नीड आती है वो आती है बिलोंगिंगनेस की। अब हम चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें और हम लोगों को प्यार करें, नीड टू बी लव एंड टू बी लव्ड, ये इसको हम कहते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कुछ क्लब्स के मेंबर बनते हैं, या हम कुछ पार्टीज में जाना शुरू करते हैं, या हम कोई ग्रुप्स ज्वाइन करते हैं, हम कुछ स्पोर्ट्स के ग्रुप्स ज्वाइन कर लेते हैं, या हम सबसे जो आसान आजकल के इस समय में जो तरीका है कि हम सोशल मीडिया को ज्वाइन कर लेते हैं, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, या ट्विटर है, इस तरीके के जो सोशल मीडिया है हम उनको ज्वाइन करते हैं, और हम ग्रुप्स के या सामाजिक समूहों के सदस्य बनना चाहते हैं, हम कल्चरल ग्रुप्स के मेंबर बनना चाहते हैं। मतलब हम समाज में अपनी पैठ बनाना चाहते हैं, समाज में हम बिलोंगिंगनेस, हम समाज के एक सक्रिय सदस्य बनना चाहते हैं। अब जब ये समाज के सदस्य बन गए, तो फिर अब एक और नीड हमारे सामने आ जाती है, उसी हायरार्की में जो चौथे क्रम की नीड है, वो नीड है हमारी एस्टीम नीड। एस्टीम नीड में क्या है कि हम चाहते हैं कि अब हमें लोग रिकग्नाइज करें, अब हमारी समाज में रेपुटेशन हो, अब हम नाम, नेम एंड फेम को अचीव करना चाहते हैं, अब हम अटेनमेंट चाहते हैं, अब हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है। मतलब कि समाज के लोग हमको
सम्मान सम्मान दें, समाज में हमारा एक सम्मानित सदस्य के रूप में हम स्वीकारे जाएं। तो ये एस्टीम नीड्स हैं, और जब ये नीड्स भी फुलफिल हो जाती हैं, तो जो हायरकी में जो सबसे ऊपर के क्रम की नीड है वहां हम पहुंचते हैं, और वो नीड है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड। रिसर्चेस से ऐसा प्रूव हुआ है कि बहुत कम लोग इस नीड तक पहुंच पाते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि ये जो नीड है वो बीइंग नीड है, या इसको हम कहें कि ये ग्रोथ नीड है। जैसे जैसे हमारी इम्पोर्टेंट हमारी जो नीचे की नीड्स हैं वो पूरी होती जाती है, तब हम इस नीड पर पहुंचते हैं। तो जो नीचे की नीड्स हैं, या कहिए कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, और जो सोशल नीड्स और एस्टीम नीड, ये जो चार नीड्स हैं, इनको पूरा करने में या इनमें कहीं कोई कमी जब रह जाती है, तो हम इन्हीं को पूरी लाइफ पूरा करने के, जो कमी रह गई उसको फिर हम पूरा करना चाहते हैं, फिर हम उसमें चले जाते हैं। इस वजह से हम बहुत कम लोग सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड तक पहुंचते हैं। ये ग्रोथ नीड है। यहाँ पे आकर हम ये सोचते हैं कि हम क्या हैं, हम अपने होने की अनुभूति करते हैं, हम क्यों हैं, हम इसकी अनुभूति करते हैं। तो इसमें क्या है कि हम अपनी, जो व्यक्ति है वो अपनी पर्सनल पोटेंशियल को हाईएस्ट लेवल तक ले जा सकता है, वो अपनी जो उसकी पर्सनल पोटेंशियल है उनको वो हाईएस्ट लेवल तक डेवलप कर सकता है, वो ट्रुथ को ढूंढ सकता है, वो ट्रुथ की बात कर सकता है, वो विजडम की बात कर सकता है, वो समाज के लिए कुछ करने की बात कर सकता है, और वो ये चाहे कि मैं जैसा हूं या मैं क्या हूं या मैं क्या कर सकता हूं, इसके विषय में वो सोच सकता है। ये आत्मानुभूति की जो मांग है, ये इसीलिए बहुत कम लोगों में आ पाती है, क्योंकि जो डेफिसिट नीड्स है उसको पूरा करने के चक्कर में ही हम पूरी जिंदगी उलझे रहते हैं, और हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड तक नहीं पहुंच पाते हैं। लेकिन जो डेफिसिट नीड्स को ठीक से पूरा कर लेते हैं, और वो तो वो जो पांचवी नीड है, और जिसका आपके ट्रायंगल में बहुत कम स्थान इसीलिए दिया गया है कि मां तक कम लोग पहुंचते हैं, फिर हम उस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड तक पहुंचते हैं, और फिर हम अपनी हाई पोटेंशियल, अपनी जो पर्सनल पोटेंशियल है उनको हाईएस्ट लेवल तक ले जाते हैं। धन्यवाद।